हाई एवरी वन, आई एम अनन्या और फाइनली आई एम बैक विद द मोस्ट रिक्वेस्टेड रिएक्शन वीडियो ऑफ नैना मोरे। और ये गाना बहुत सारे रीजंस की वजह से स्पेशल है। पहला रीज़न तो ये है कि इसमें जावेद बशीर जो है पहली बार अपने भाई अकबर अली के साथ फीचर हुए हैं। दूसरा, ये जो ठुमरी है ये भैरवी राग के ऊपर बेस्ड है। भैरवी राग एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एलेबोरेट राग है, तो इस राग पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं और बहुत लोगों ने इस राग को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से कवर किया है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द ठुमरीज इन राग भैरवी। तीसरा रीज़न ये है इस गाने के स्पेशल होने का, तो ये आमिर ज़ाकी का लास्ट सॉन्ग था कोक स्टूडियो में सीज़न 10 में। आमिर ज़ाकी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, ये पाकिस्तान के एक बहुत ही ज़्यादा नामी गिरामी गिटारिस्ट थे, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू हेल्थ रीजंस बहुत ही कम उम्र में, आई थिंक एट द एज ऑफ अराउंड 50 ही पास्ट अवे। बट मुझे लगता है कि कोई भी म्यूजिशियन जो होता है ना, कभी भी उसके बारे में हम पास्ट टेंस में बात करना बहुत अजीब लगता है, बिकॉज उनका म्यूज़िक हमेशा ज़िंदा रहता है। एक म्यूजिशियन कभी भी पूरी तरह से मर नहीं सकता, तो लेट्स रिमेंबर हिम विद ऑल द गुड म्यूजिक दैट ही हैज़ क्रिएटेड, एंड लेट्स स्टार्ट लिसनिंग टू द सॉन्ग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कोक स्टूडियो सीजन 10, फॉरएवर इन आवर हार्ट्स। जो तेरी शक्ल दिखा दे, वो कौन गैसा जो तेरी शक्ल दिखा दे, वो कौन गैसा जो तेरी शक्ल दिखा दे। एक एहसान है उसका जो मुझे मुझसे मिला दे, हाँ एहसान है उसका जो मुझे मुझसे मिला दे। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ऊंची सी लहर आई है एकदम बहुत तेज़, और उसके बाद एकदम शांति हो गई और बहुत पीसफुल फील हो रहा है, लहरें शांत हो जाती हैं। तो जो जावेद बशीर का इंट्रोडक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा एक हाई नोट पे लिटरली शुरू हुआ। उसके बाद जब एक्चुअल गाना शुरू हुआ, जो ठुमरी के बोल है नैना मोरे तरस गए, वो शुरू किया अकबर अली ने। आई थिंक पूरे गाने में ऐसा होता है कि जो सिंगिंग का पार्ट है वो अकबर अली करते हैं, और जो फिलर्स का पार्ट है, मतलब जो बीच बीच में एडिशनल चीज़ें हैं, वो जावेद बशीर जी करते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या फील है, लुक एट द वे ही इज़ लुकिंग एट हिम, मतलब वो एवरी वेरिएशन दैट ही इज़ डूइंग, हर चीज़ कितनी क्लैरिटी के साथ आ रही है और कितना पिन पॉइंटेड तरीके से आ रही है, ये चीज़ वो ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके बड़े भाई, और आई थिंक ही इज़ एडमायरिंग हिम हाउ वेल ही इज़ सिंगिंग। का जिया रोले
ड्रम्स आर बींग प्लेड इन अ वेरी वेरी कंट्रोल्ड वे. मतलब 3-3.5 मिनट हो चुके हैं गाने को शुरू हुए, स्टिल ड्रम्स जो हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी पे अभी तक नहीं आए हैं. हालांकि जो सिंगिंग का पार्ट है वो अपनी फुल कैपेसिटी पे ऑलमोस्ट पहुंच चुका है. लाइक उन्होंने काफ़ी चीज़ें कर दी हैं सिंगिंग में दोनों लोगों ने. मतलब इस तरह से सोचा गया है गाने के स्ट्रक्चर को, अरेंजमेंट को, कि हम एक प्रॉपर बैलेंस तरीके से हर चीज़ करेंगे. एकदम शुरू में हर चीज़ फुल ब्लोन तरीके से नहीं डालेंगे. दिस समथिंग आई लव द मोस्ट, बिकॉज अभी जब इंटरल्यूड आया पहली बार तो धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट्स ना अनफोल्ड हो रहे हैं. अभी और नई नई चीज़ें आएंगी. लेट्स सी. हल्का सा ब्रेक लिया, कुछ होगा. सी, तबला ऐड हो गया. सो ये इंस्ट्रूमेंट्स अब ऐड हुए हैं 3-4 मिनट के बाद, तबला, तालियां, सारंगी कुछ. एंड आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सॉन्ग, जब सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक्सप्लोर हो चुके होंगे वन बाय वन, तब जाके सब एक साथ प्ले होंगे. दैट इज द ब्यूटी. धीरे धीरे ना भर रहा है म्यूजिक. सब एक साथ ऊपर देख रहे हैं. क्यों देख रहे हैं? Yeah.
दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब आमिर ज़की जी का इलेक्ट्रिक गिटार हमें सुनाई पड़ा है इस गाने में. 6:43 का गाना निकल चुका है और अब जाके इनका इंट्रोडक्शन हुआ है. तो दिस इज़ हाउ वेल प्लान्ड दिस अरेंजमेंट इज़. और ये कहीं पे तो ऊपर जाके बैठे हुए हैं, दैट्स वाई एवरीबडी वॉज लुकिंग कि अब शुरू होगा ऊपर जाके. सॉरी टू पॉज, बट ये चीज़ मैं पहली बार नोटिस कर रही हूँ इस गाने में कि आमिर ज़की जी सबसे अलग जाके बैठे हैं ऊपर जाके. एवरीबडी हैज़ गिवन हिम अ स्पेस, मतलब वो उस स्पेस की बात नहीं कर रही हूँ जो ऊपर बैठ के, गिवन अ स्पेस टू हिज इंस्ट्रूमेंट टू अनफोल्ड. और सब थोड़ा सा अभी मेलो डाउन हो गए हैं ताकि इनका इलेक्ट्रिक गिटार शाइन कर सके. एंड सेम इज़ हैपन विद अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो, लाइक सारंगी को भी टाइम मिला, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स. तो हर चीज़ कितना खुल के और खिल के दिखाई जा रही है उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. गाने को सुनूं उतनी बार कम है. मैं ऑलरेडी इस गाने को बहुत बार सुन चुकी हूँ, बट अभी भी जब मैं सुनती हूँ तो हर बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई तो नया एलिमेंट डिस्कवर करती हूँ मैं. और इस बार मैंने वो इंस्ट्रूमेंट्स को अनफोल्डिंग वाला एलिमेंट डिस्कवर किया. ये चीज़ भी मैंने आज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व की कि ये जो रोल डिवीजन था वो ऐसा था कि सिंगिंग का पार्ट अकबर अली जी का था और जो फिलर्स थे, फिलर्स से मेरा मतलब है कि ठुमरी के अलावा जो एडिशनल शेर व शायरी और जो टू लाइनर्स ऐड हुए थे, तो ये जो टू लाइनर्स थे और जो बीच बीच में एक इम्पैक्ट देने के लिए जो पोइट्री को
सिंगिंग में ढाल के जो एलिमेंट्स यूज किए गए वो जो मेन रोल था वो जावेद बशीर जी का था. सो ये चीज़ मैंने उनकी नोटिस की है कि वो जब लाइव भी गाते हैं ना, कोई भी गाना गाते हैं, तो उसमें भी वो बीच बीच में शेरो शायरी या कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स डालते हैं जिससे कि पब्लिक एंगेज होती है. सो आई रियली लव्ड द वे द टू ब्रदर्स, द टू सिंगर्स आर फिटिंग टुगेदर. मतलब उनकी जो वेरिएशंस हैं अकबर अली की और जो जावेद अली का स्ट्रेंथ है आवाज़ का, वो दोनों ब्लेंड होके एक परफेक्ट सा कुछ पीस निकल के आया है. और इंस्ट्रूमेंट्स की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. इंस्ट्रूमेंट्स में तबला, ढोलक, ड्रम्स, इलेक्ट्रिक गिटार, इन सब का बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड तरीके से यूज़ हुआ है. अगर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स ही सुनते रहो ना, वोकल्स अगर ना भी हो तो भी बहुत मज़ा आएगा. पोइट्री की तो क्या बात करें. मर गए हम, खुली रही आँखें, ये तेरे इंतज़ार की हद थी. मतलब दिस इज़ द एक्सट्रीम लेवल ऑफ सॉरो दैट समवन फील्स अबाउट देयर लवर एंड द सेपरेशन फ्रॉम देयर लवर. दिस लेवल ऑफ पोइट्री इज़ द आइसिंग ऑन द केक कि इतने बढ़िया म्यूज़िक, इतनी बढ़िया सिंगिंग, इतने अच्छे एलेबोरेट राग के साथ जब इतनी पोइट्री ऐड कर दी तो गाने में कुछ बचा ही नहीं उसको परफेक्शन पे लेके जाने के लिए. आई हैव नथिंग टू ऐड कि इस गाने में ये होता तो अच्छा होता. इस गाने में सब कुछ ही परफेक्ट लग रहा है मुझे. आई थिंक ये चीज़ मैं ऐड कर सकती हूँ कि इस तरह के गाने अगर इंडिया में भी बनते तो अच्छा होता. बस ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती. बट दिस इज़ लाइक वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ कोक स्टूडियो. और आपको मेरा ये रिव्यू जो भी मैंने बकबक किया है कैसी लगी मुझे कॉमेंट्स में बताना. और नेक्स्ट किस गाने पर आप रिएक्शन सुनोगे, सो या लेट मी नो इन कॉमेंट्स. And I'll see you in the next video. Bye. ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हुई पतली.